वंदना झा। आइए देखते हैं आज की खबरें। हरियाणवी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर फुलहर गांव के करीब एक दर्जन संभावित शराब तस्करों के घर छापेमारी कर तीन घरों से 1680 बोतल शराब बरामद किया। इस दौरान पुलिस ने तीन शराब के धंधेबाजों को भी खदेड़ कर पकड़ा। हालांकि एक कारोबारी भागने में सफल रहा। पुलिस को यह कार्रवाई बेनीपट्टी के डीएसपी अरुण कुमार सिंह को गुप्त सूचना पर मिली जानकारी के आधार पर डीएसपी के निर्देश पर हरलाखी थाना अध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में की गई। काफी संख्या में महिला और पुरुष पुलिस बल इसमें शामिल थे। रात में मुझे कि अमुक जगह दारू जो कृपाल मुखिया है, कौन कौन सा मुखिया पति फुलहर गांव में, ये लोग कृपाल मुखिया, इंदल मुखिया, श्रवण मुखिया, कुछ और नाम था, वो लोग दारू उनके घर में रखा हुआ है। अक्षण थाना प्रभारी को बोला गया, प्रेम बाबू अपना तुरंत टीम तैयार करे किए, इनको भी सूचना मिल गई थी, तो टीम तैयार किए, छापामारी गए। छापामारी में ये लोग तीन आदमी गिरफ्तार हुए, जो कृपाल मुखिया है, इंदल मुखिया, सर्वम मुखिया, और तीन आदमी भागने में, क्योंकि रात थी, विफरन मुखिया ना, विफरन मुखिया, बिकरू मुखिया, हाँ, यह भाग निकल गया। उसके यहाँ छापामारी किया गया तो टोटल 504 लीटर सोफिया शराब नेपाली बरामद हुआ, जिसे जब्त कर विधिवत कार्रवाई की जा रही है। तीन गिरफ्तार है, हमें भेजने की कार्रवाई की जा रही है। आज कृषि विज्ञान केंद्र सुखेत में जल जीवन हरियाली अंतर्गत जलवायु के अनुकूल कृषि विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कृषि मंत्री अमृत प्रसाद सिंह संचालन कर रहे थे। कृषि विज्ञान केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में काफी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। जा रहा है, दिन रात के ठंड ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मनुष्य के साथ साथ कृषि और पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। बावजूद अब तक प्रशासनिक स्तर से कहीं राहत के तौर पर अलावता की व्यवस्था नहीं की कराई गई है। जयनगर में शहर के मेन रोड में सड़क किनारे एक बंद पड़े दुकान के पास एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक की लाश मिली है। स्थानीय लोग बताते हैं कि मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना देने के बावजूद सबको उठाने नहीं पहुंचा प्रशासन। दिन भर लाश के पास मंडराते रहे आवारा कुत्ते। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर परिसर में दिव्यांगता शिविर का किया गया आयोजन। शिविर में प्रखंड क्षेत्र के सभी 28 पंचायतों के दिव्यांग लोगों ने लिया भाग। मौके पर चिकित्सीय दल के द्वारा आंख, कान, हाथ, पैर सहित विभिन्न प्रकार के विकलांगता जांच कर दिया गया प्रमाण पत्र। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बिस्फी विधानसभा के नव निर्वाचित भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर उर्फ बचौल के गांव रघौली में 16 दिसंबर को होगा विधानसभा स्तरीय किसान सम्मेलन। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे करेंगे कार्यक्रम का उद्घाटन। सम्मेलन में उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र प्रभारी और सांसद हरीश द्विवेदी, स्थानीय सांसद अशोक यादव, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधायक, पार्टी के पदाधिकारी करेंगे शिरकत। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल गांव गांव घूमकर किसानों को कार्यक्रम में पहुंचने के लिए दे रहे हैं आमंत्रण। बीते दिनों जयनगर के दुल्ली पट्टी में सड़क जाम मामले में अब तक 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। बीती रात जयनगर थाना पुलिस ने 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सिकंदर यादव, मदन यादव दुल्ली पट्टी में सड़क जाम मामले में नामजद आरोपी था। एक तरफ जहां चारों तरफ हर घर नल जल योजना का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, वहीं बाबूभरे स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पीने के पानी की इस ठंड में भी घोर किल्लत है। पीएससी बाबूबरही में यह समस्या विगत 3 वर्षों से बनी हुई है। अस्पताल कैंपस में लगाए गए 2 चापाकल खराब पड़े हैं। अस्पताल से कुछ ही मीटर पर जल विभाग का जल मीनार लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है। अस्पताल में आए मरीजों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बाबूबरही से जगदीश नंदन प्लस 2 उच्च विद्यालय के स्टेडियम बाउंड्री वॉल निर्माण का विरोध अब चरम पर पहुंच गया है। युवा खेल व कला संस्कृति विभाग की अनुशंसा पर भवन निर्माण विभाग द्वारा करीब 66 लाख की लागत से स्टेडियम के लिए बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा है। शनिवार को भी स्थानीय लोगों ने इसके अनियमितता व घटिया निर्माण कार्य का विरोध किया। जिला पार्षद जहांगीर अली के नेतृत्व में नाराज लोगों ने शिव मंदिर के पास 2 दिन पहले बनाए गए बाउंड्री को तोड़ दिया।
दिया उसको भी तोड़ेंगे हम, और कब आप समय दे रहे हैं हम तोड़वाएंगे उसको, नहीं अगर ऐसा होगा तो सारा खर्चा मेरा बहन होगा, हरजाना हम देंगे। जिला मुख्यालय में आज विपक्षी दल महागठबंधन के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में समाहरणालय के सामने धरना दिया गया। किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की गई। आज के धरना प्रदर्शन का नेतृत्व स्थानीय विधायक समीर महासेठ कर रहे थे, जिसमें काफी संख्या में महागठबंधन के कार्यकर्ता ने लिया हिस्सा। किसान जो है दिल्ली पहुँच चुके हैं, लगातार दो महीने के अंतराल में लोग वहाँ जमे हुए, इसके बावजूद भी ये अदानी अंबानी की जो सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ये अदानी अंबानी की सरकार है, जो अदानी अंबानी के हिसाब से कानून में परिवर्तन करके किसान को पूरे तरह मजदूर को सड़क पर ला दिया है। इसलिए किसान वहाँ पहुँच चुके हैं और उनकी मुख्य मांग है कि हम कुछ ऐसा कोई एक्ट में परिवर्तन की बात अब नहीं करेंगे, रिफिल की हम निश्चित तौर पे जो आपने काला कानून लाया है इसको पूर्णतः समाप्त जब तक नहीं करेंगे तब तक किसान अपने घर नहीं लौटेंगे। आज उन्हीं के समर्थन में महागठबंधन धर्म को मानने वाले राष्ट्रीय जनता दल और CPI CPM माले के सभी साथी आज मधुबनी में भी अनवरत प्रयास कर रहे हैं और ये लगातार तीसरी बार के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपके बीच में है और हम लोग यहाँ पर हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये पूरी तरह की नहीं, जो है जन आक्रोश है वो सरकार तक पहुँचे, सरकार से भारत सरकार तक पहुँचे। बहुत बहुत